हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कस्टम मम्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए क्या आई हूँ, मुड़ी घंटों की रेसिपी। जो बंगाली लोग हैं वो तो जानते ही होंगे कि मुड़ी घंटों क्या होता है, बट जो नॉन बंगाली है वो तो नहीं जानते होंगे। तो मुड़ी घंटों यानी कि बंदा गोभी और मछली का जो माथा होता है ना, बहुत लोग मूरा भी बोलते हैं, तो उनका रेसिपी तो बहुत ही यमी बनेगी। आप लोग जरूर बनाना, अगर आप लोग कभी नहीं बनाए होंगे तो जरूर बनाने, इस तरह से बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मछली को फ्राई होने के लिए डाल दिया है, यानी कि मछली के माथा को। और तो मैंने इसमें नमक हल्दी मिक्स करके इसको फ्राई करने के लिए डाला है, थोड़ी सी ऑयल को डाल करके। तो इसको दोनों तरफ से मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसका जो साइड जो होता है ना, उसको इस तरह से खड़ा करके इसको मैं कर लूंगी फ्राई, ताकि हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो सके। ये देखिए, मैंने इसको तीनों तरफ से कर लिया था फ्राई, और मैंने एक कटोरी में इसको निकाल लिया है। और मैं यहाँ पर ली हूँ एक बंदा गोभी, और ये तो मछली तो पहले ही रखी थी फ्राई करके, जो कि आपने देखा ही था। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मटर को रखा है छील करके। तो बंदा गोभी का अब हम लोग कर लेंगे कट। तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, इसे कट करके धो करके रखी रखी हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो मैं वही कढ़ाई ली हूँ जिसमें हम लोग मछली को फ्राई किए थे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी डाली हूँ जीरा, साबुत जीरा, और थोड़ी सी तेज पत्ता, और एक लाल मिर्च। तो इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब अपना डाल देंगे बंदा गोभी। तो ये देखिए, बंदा गोभी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके रखूंगी, ताकि बंदा गोभी थोड़ा सा गल जाए, तो इसमें जगह बन सके। तो ये देखिए, पहले तो कढ़ाई पूरा भर गई थी, तो मैं इसको ढक करके डाल दिया था, थोड़ी सी ये गल गई है। तो इसके बाद मैं इसको इस तरह से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना मटर छिला हुआ। मटर में डाल दी हूँ पहले ही, ताकि मटर भी अच्छे से पक सके। अब मैं इसमें डाल दूंगी सूखा मसाला, तो थोड़ी देर के लिए बाद डालूंगी। तो ये देखिए, उसको मैं 2 मिनट के लिए ढकी थी। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी, बस इतना ही डाला है इसमें मसाला। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अपना डाल देंगे फ्राई किया हुआ मछली का माथा। तो इसको भी इस तरह से इसको बीच में डाल देंगे, और इसको ढक करके पकाएंगे। तो ये देखिए, 3-4 मिनट के बाद मैंने इसको ये क्या चेक किया था, और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, माथा तो हमारी गल चुकी है, और इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब मैं अपना डाल दूंगी कटा हुआ टमाटर। तो एक टमाटर मैंने कट करके रखा था, तो इसको मैंने डाल दिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके। अभी भी इसमें 5 मिनट लगेगा इसको पकने में, तो इसको ढक करके पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से पक सके। तो देखिए, 5 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है, तो ये देखिए, इसको अच्छे से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको भी करना है, अगर आप इस तरह का रेसिपी बनाते हैं तो। इसी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी गरम मसाला, 1 पिंच, और इसको मिक्स कर लेंगे। और थोड़े से डालेंगे हरा मिर्च कटा हुआ, अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं।
तो ये देखिए लीजिए, सब्जी हमारी बन चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ इसका फाइनल लुक, और बहुत ही यम्मी बना था। तो मैं इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ढक करके रखूंगी और बाद में हम लोग खा लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स यही थी आज की मेरी रेसिपी। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर कर देना मेरी वीडियो को, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी। और चैनल पर अगर नए आते हो आप लोग तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लिया करो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और तो यही थी आज की मेरी रेसिपी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।